2024 की आहट सुनाई दे रही है और सियासी दल अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने की मुहिम में जुट गए हैं। इस चुनावी तैयारी में एक बार फिर बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। इस समय बीजेपी का फोकस 160 सीटों पर है। क्यों बीजेपी 160 सीटों पर फोकस कर रही है? ये 160 सीटें कहां कहां है? सियासत के सबसे पहले सवाल पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पिछले 9 साल से देश की सियासत का यही मिजाज है, एक अकेला सब पर भारी है। नौ साल से देश ने मोदी नाम के सियासी फनकार को सफलता के शिखर तक पहुंचते देखा है। वो छोटी छोटी हार से सीख लेता है, अपनी जीत में भी सुधार की गुंजाइश रखता है। ये मोदी नाम के कलाकार की कलाकारी ही है जिसकी वजह से 9 साल से बीजेपी की जीत का पहिया रुका नहीं और विपक्ष की जमीन खिसकती चली गई। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। हर वक्त तैयारी, जीत के बावजूद बेकरारी। मोदी की अगुवाई में बीजेपी का यही चुनावी मंत्र रहा है। अब जब 2024 की आहट तेज हो चुकी है, बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के लिए तस्वीर साफ है। 160 सीटों पर है बीजेपी का फोकस। ये 160 सीटें बेहद अहम है। 160 सीटों का चयन कुछ खास पहलुओं को ध्यान में रखकर किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं और उसने देश भर में 160 ऐसी सीटें चुनी हैं जहां पर बीजेपी या तो चुनाव हारी थी या कम मार्जिन से उसने जीत हासिल की थी या वहां पर बीजेपी को जीतने की संभावनाएं लगती हैं। और ऐसी कई सारी सीटें ऐसी भी हैं जहाँ पर बीजेपी पिछली बार गठबंधन के साथ चुनाव में लड़ी थी लेकिन इस बार वहाँ गठबंधन नहीं है। बड़ी बात ये कि अभी जहां विपक्ष के दिग्गज आपस में एकता बनाने की मुहिम में जुटे हैं, वहीं बीजेपी अपने मिशन में जुट चुकी है। लोकसभा प्रवास योजना के तहत बीजेपी अध्यक्ष ने नेताओं को काम बांटना शुरू कर दिया है। देखिए, हमारे देश भर में 160 सीटें हमने ऐसी चिन्हित भाजपा ने की हैं जहाँ पर हम चुनाव नहीं जीते हैं और हम कह सकते हैं कि भाजपा ने जिस तरह से रणनीति तैयार की है और हम जैसे सीनियर सारे कार्यकर्ताओं के लिए कुछ सीटों का काम दिया है। मेरे लिए भी 3 सीटों का तेलंगाना में काम दिया है और जो हमारा अभियान चल रहा है तब मैं कह सकता हूं कि हम अपनी रणनीति पर खड़े उतरेंगे। जमीन पर आम लोगों के बीच रहो, जनसंपर्क के लिए पसीना बहाओ, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को मोदी का यही निर्देश। राजनीति का यही कौशल है जो मोदी फैक्टर को बेहद खास बनाता है। जिन 160 सीटों का चयन किया गया है उसमें हवा का रुख बदलने में सबसे बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी की ही होगी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मिशन में बड़ी भूमिका निभाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इन 160 सीटों पर पीएम मोदी की 50 से 55 रैली और सभाएं हो सकती हैं। 80 सीटों पर अमित शाह और 80 सीटों पर जेपी नड्डा के चुनावी कार्यक्रम की योजना है। बताया जा रहा है कि 160 सीटों पर साइलेंट तैयारी तो एक साल पहले ही शुरू हो चुकी है। अब फीडबैक के लिहाज से रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ जानकारों का मानना है कि बीजेपी का फोकस 160 सीटों से आगे का हो चुका है। 160 सीटों से भी ज्यादा संख्या है वो। इनमें हारी हुई सीटें नहीं, कुछ कमजोर सीटें भी शामिल हैं जो पिछली बार बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीती थी।
अभी इन्होंने जो क्लस्टर बनाए हैं वो सारी 543 सीटों के लिए बनाए हैं, सभी सीटों मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 160 प्लस सीटों का काम तो पहले ही चल रहा था, एक साल से ज़्यादा चल रहा है। तो इनकी पूरी तैयारी ये है कि 543 सीटों में, बहुत सारी सीटें पर अलायंस के साथ में लड़ी थी पार्टी, अब उन पर अलायंस नहीं है तो खुद ही पार्टी को लड़ना पड़ेगा, तो उन सीटों की संख्या बढ़ी है। 2019 के चुनावी आंकड़ों की बात करें तो 11 सीटों में बीजेपी की जीत का मार्जिन 1% वोटों से भी कम था। 42 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी की जीत का मार्जिन 5% से कम था। इसमें से सबसे ज्यादा 14 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, जहां बीजेपी की जीत का मार्जिन 1-5% तक रहा है। कुल मिलाकर तैयारियों के लिहाज से एक बार फिर बीजेपी विपक्ष से बहुत आगे नजर आ रही है। चुनाव को लेकर मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी का रुख साफ है। रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस यानी प्रक्रिया मायने रखती है। अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट तय। दिल्ली से निशांत राय के साथ टीम न्यूज़ नेशन।